हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ सेकेंड चैप्टर ऑफ एट क्लास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। आपका एक ही टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये हमने सेवन्थ क्लास में भी पढ़ा था और इसका लास्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था। एक बैक्टीरियम होता है राइजोबियम बैक्टीरियम, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे दालों के, बीन्स के, मटर के, उनकी रूट्स नोड्यूल्स में रहता है और उसके साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। मतलब इस बैक्टीरियम को रूट उस प्लांट से न्यूट्रिशन मिल जाता है और इसके बदले वो प्लांट की हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल। और नाइट्रोजन फिक्सेशन इसके अलावा, इस बैक्टीरियम के अलावा, लाइटनिंग से भी हो सकती है। ये आप पिक्चर में देख रहे हो, एक लेग्यूमिनस प्लांट्स दिखा रखा है। इसमें भी ये एनसीईआरटी की पिक्चर है, इसमें रूट नोड्यूल्स दिखाई गई हैं, यहाँ पे ये बैक्टीरिया रहता है। नेक्स्ट इज़ द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन के बारे में आपको पता है, जो एयर के अंदर इसका कंपोजिशन होता है बाय वॉल्यूम, दैट इज़ 78%। तो नाइट्रोजन एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि जो प्रोटीन्स बनते हैं उसमें नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लोरोफिल बनना, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, इन सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। बट जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है 78%, उसको ना तो प्लांट्स डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते, ना एनिमल्स कंज्यूम कर सकते। बट कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं और उनको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करती हैं। तो एक बार जब वो नाइट्रोजन उन यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उनको प्लांट्स सोयल में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू द रूट सिस्टम। अब वो प्लांट्स में आ गई है, प्लांट्स फूड बनाएंगे, प्लांट्स उसके जो नाइट्रोजन उन्होंने एब्जॉर्ब किया है उससे प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जो हम फूड खाएंगे, हमें भी वो नाइट्रोजन प्लांट्स से मिल जाएगी और हम भी अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स वगैरह सिंथेसाइज कर सकते हैं। और जब बाद में एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ होती है, ये बैक्टीरिया, ये फंजाई होते हैं, ये नाइट्रोजन कंपाउंड को वापस उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल है। तो आप देख रहे हो, नाइट्रोजन साइकिल है, या तो लाइटनिंग से या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से वो वापस सोयल में वो आ रही है। तो बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, किसमें? नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में, ताकि प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर सकें। अब सोयल से अपटेक कर लिया, अपटेक बाय प्लांट्स, और प्लांट से किसने ले लिया? एनिमल्स ने, क्योंकि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड्स, वो वापस सोयल में चला जाता है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो सोयल के अंदर की नाइट्रोजन को वापस गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, ताकि एटमोसफियर में वो बैलेंस नाइट्रोजन का बना रहे, मतलब कम ज़्यादा ना रहे। तो आई होप आपको ये चैप्टर अब क्लियर है। यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज। थैंक यू।